विपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टक्कर देने के लिए समय समय पर एकजुट होने की बात तो करता रहता है, लेकिन विपक्ष का कोई नेता ऐसा नहीं है जो दूसरे नेता को अपने ऊपर समझ ले। सभी विपक्ष के नेताओं की अपनी राजनीतिक मंजिल है, जिसके बीच वो किसी दूसरे विपक्ष के नेता को फूटी आंख भी देखना पसंद नहीं करते। तमाम आपसी मतभेद होने के साथ ही तमाम राजनीतिक चाह के कारण सभी विपक्षी राजनीतिक दल एक मंच पर आ ही नहीं पाते। कोई दक्षिण में एकजुट हो रहा है तो कोई कश्मीर में विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सभी दलों के हाथ इस मामले में खाली ही नजर आते हैं। इन्हीं मतभेदों का सबसे ज्यादा राजनीतिक लाभ भाजपा को अपना सियासी वर्चस्व बनाए रखने में मिलता है। अभी फिर एक सर्वे आया है जो विपक्षी नेताओं के बीच खाई फिर गहरी करेगा। इंडिया टुडे और सी वोटर के ताजा सर्वे में देश का मिजाज समझने की कोशिश की गई है। हर 6 महीने पर होने वाले इस सर्वे का ताजा अंक जनवरी 2023 के आखिर में जारी हुआ। इसमें 1.39 लाख से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया था। सर्वे में सवाल किया गया था कि अगर विपक्षी दल एक साथ आते तो क्या पीएम मोदी को चुनौती दे सकते हैं। सर्वे के नतीजे विपक्ष के लिए बुरी खबर लाए। 39% लोग ही मानते हैं कि अगर विपक्ष एकजुट हो जाता है तो पीएम मोदी को चुनौती दे सकता है, जबकि 47% लोग ही मानते हैं कि ममता केजरीवाल और राहुल समेत समूचा विपक्ष भी पीएम मोदी के नेतृत्व में एनडीए के रथ को रोक नहीं पाएगा। हैरानी की बात तो यह है कि 1 साल पहले ही विपक्ष पीएम नरेंद्र मोदी को पटखनी देता नजर आ रहा था। सर्वे में अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी के लिए राहत की बात यह है कि विपक्ष के नेतृत्व देने वाले नेता के तौर पर दोनों का ग्राफ ऊपर आया है। इससे पहले ज्यादा फायदा अरविंद केजरीवाल को हुआ है, जो विपक्ष का नेता बनने वालों की लिस्ट में 24% के साथ नंबर 1 पर है। जनवरी 2022 में 17% लोग ही उन्हें विपक्ष के नेता के तौर पर देखते थे। जनवरी 2022 के सर्वे में 17% लोगों ने ममता बनर्जी में विपक्ष का नेता बनने की संभावना देखी थी, जो 1 साल बाद जनवरी 2023 में बढ़कर 20% हो गई है। राहुल गांधी को विपक्षी नेता के रूप में पसंद करने वालों की संख्या भी जनवरी 2022 की 11% के मुकाबले अब बढ़कर 13% हो गई है। अब इस सर्वे को देखकर कहीं कट्टर ईमानदार पार्टी ये ना बोल दे कि भाई हमारे नेता को विपक्ष का चेहरा बनाया जाए। इस पार्टी के नेता पहले भी बोल चुके हैं कि 2024 का चुनाव मोदी बनाम केजरीवाल होगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि विपक्ष केजरीवाल को अपना चेहरा मान सकता है। भाजपा विपक्ष के मतभेद के मैदान में अपना विजय रथ सरपट दौड़ा देगी। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।